अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अलीराद, एक बार फिर आपके साथ मौजूद बीएस इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपसे मामूल एक नए टॉपिक लेके आते हैं और आपके साथ उस पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, इसी तरह आज मैं फिर आपके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर और एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, अबा दानिश अली मोहम्मद दानिश ने मुझसे सवाल किया कि सर, क्या जो हम ये प्रोनाउंस करते हैं कि ए बी सी डी ई एफ, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? क्या इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है यही करेक्ट है या कोई और भी है? लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लें, सबसे पहले मैं आपको दिल से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। राइट साइड पे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे एक बेल आइकन का बटन आएगा, उसे भी ऑन कर लें ताकि हमारे रोज़ाना की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें और आप कामयाब और कामरान पाकिस्तानी बन जाएं। तो दोस्तों, चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ आवर अल्फ़ाबेट बाय वालिदात। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आवर अल्फ़ाबेट बाय वालिदात, यानी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है क्या, असल में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? हम पढ़ते हैं ए, क्या गोरे भी इसे ए पढ़ते हैं? क्या अमेरिकन भी इसे ए पढ़ते हैं? चलो दोस्त, देखते हैं आज की ये मसला हल कर लेते हैं। दोस्तों, हम पढ़ते हैं ए, लेकिन याद रखना ए बिल्कुल नहीं है। अमेरिकन जो है, जो नेटिव स्पीकर हैं जिनकी इंग्लिश मादरी जुबान है, वो पढ़ते हैं ए ए, यानी मैंने नीचे लिख दिया ए और अलिफ, ये ए ए, हम पढ़ते हैं ए, वो पढ़ते हैं ए ए। अच्छा, हम पढ़ते हैं बी, वो पढ़ते हैं बिल्कुल बी, ग्लोबल बिल्कुल ठीक है। हम पढ़ते हैं सी, वो भी पढ़ते हैं सी। हम पढ़ते हैं डी, वो भी पढ़ते हैं डी। हम पढ़ते हैं ई, वो भी पढ़ते हैं ई। हम पढ़ते हैं एफ, हम एफ को गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो हम कहते हैं, हम करते हैं एफ, कहते हैं एफ, वो क्या कहते हैं? ए एफ ए एफ ए एफ। मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया आपके लिए, उर्दू में लिख दिया ताकि आपको इसके प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाए। हम पढ़ते हैं एफ, वो कहते हैं ए एफ। आगे आते हैं एफ के बाद, अच्छा जी, जी भी बिल्कुल सही प्रोनाउंस करते हैं हम। उसके बाद आते हैं एच, हम पढ़ते हैं एच, उसे ज़रा लंबा करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? एच एच। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए एच, हम पढ़ते हैं एच, वो कहते हैं एच एच। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आई, वो क्या पढ़ते हैं? आई आई। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए आई, यानी जैसा कहते हैं कि अम्मा आए, अबू आए, भाई आए, वो आए, यानी हम पढ़ते हैं आई, वो क्या कहते हैं? आए। दोस्तों, हम पढ़ते हैं जे जे, वो क्या पढ़ते हैं? एक आए है यहाँ पे, आप इसका मतजाद कर लें, ऑपोजिट कर लें, आप कहें आए पहला, आई आए, और जे जाए जाए। किसको कहते हैं कि आप आए आए, अब यहाँ पे कहें कि आप जाए जाए, जे हम पढ़ते हैं जे प्रोनाउंस करते हैं, वो कहते हैं जाए जाए। दोस्तों, हम पढ़ते हैं के के, तो क्या पढ़ते हैं? हम कहते हैं आए, वो आई को आई, वो कहते हैं आए, जे को हम जे, वो कहते हैं जाए, के को हम के, वो क्या कहते हैं? खाए, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं ना, उसके लिए खाए खाए। के बाद एल आता है, हम पढ़ते हैं एल, वो क्या कहते हैं? एल एल एल, यहाँ पर मैंने लिख दिया एल। जुबान को अपने पैलेट के साथ लगा, यानी अपने तालू के साथ टच कर लें, एल 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 एल। हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं एम, वो क्या कहते हैं? एम एम एम। जिस तरह यहाँ पे एल है, इसी तरह इसको ये किस फैमिली से है? एफ की फैमिली से ताल्लुक रखता है, एम एम। हम पढ़ते हैं एम, प्रोनाउंस करते हैं, वो कहते हैं एम एम। आते हैं एन की तरफ, हम पढ़ते हैं एन, एन भी बिल्कुल एफ के फैमिली से ताल्लुक रखता है, हम पढ़ते हैं एन, वो कहते हैं एन एन। हम प्रोनाउंस करते हैं ओ, वो क्या कहते हैं? आओ आओ, आप आओ, तुम आओ, हम कहते हैं वो कहते हैं आओ। हम पढ़ते हैं पी, वो क्या कहते हैं? फी फी फी, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है इसकी आवाज़। हम पढ़ते हैं क्यों, वो कहते हैं क्याओ क्याओ। हम पढ़ते हैं क्यों, वो कहते हैं क्याओ क्याओ। हम कहते हैं आर, वो क्या प्रोनाउंस करते हैं? सिर्फ अलीमत आप प्रोनाउंस करते हैं, आ हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं आर, वो कहते हैं आ। आर के बाद एस आता है, हम कहते हैं एस, वो क्या कहते हैं?
एस भी बिल्कुल एफ की फैमिली से ताल्लुक रखता है। हम पढ़ते हैं एस, वो कहते हैं एस एस एस। हम कहते हैं टी, वो क्या कहते हैं ठी ठी, जिस तरह लाठी में आता है ठी ठी। हम कहते हैं ठी, वो कहते हैं ठी। हम कहते हैं यू, वो क्या कहते हैं याओ याओ याओ। हम प्रोनाउंस करते हैं यू, वो क्या कहते हैं याओ याओ। हम कहते हैं वी, वो क्या कहते हैं वी वी। जिस तरह वाइब्रेशन की साउंड होती है मोबाइल को, आप जब वाइब्रेशन में ले जाते हैं तो कैसी वाइब्रेशन आपको महसूस होती है, उस तरह आपने जुबान को आगे वाले दांतों के दरमियान रख के आपने पीछे से पुश अप करना है ताकि एयर बाहर निकल जाए। जैसे मैं करता हूँ वी वी वी। और हम कहते हैं डब्ल्यू, वो क्या कहते हैं डाबले याओ डाबले याओ डाबले यू डाबले यू या डाबले यू। हम कहते हैं एक्स, वो कहते हैं एक्स 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 एक्स, या फिर मैंने आपके लिए लिख दिया है एक्स एक्स। हम कहते हैं वाई, वो क्या कहते हैं वाई वाई वाई, बिल्कुल नहीं कहना वाई वाई। हम कहते हैं जेड, याद रखना जेड जो है वो ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटिश वाले कहते हैं जेड, और अमेरिकन कहते हैं जी जी। तो दोस्तों आज के जो हमारे लेक्चर था वो था खुरेक प्रोनाउंसिएशन और अल्फाबेट बाय वाली दाद। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करने से फ़ायदा होगा कि इससे आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी है, और आज मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि डोंट फुट आउट टेल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत छोड़। दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी है, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, गुड बाय।